ये वीडियो हम सायन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स इस पे बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो हम सायन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स या इनपुट आउटपुट नॉर्म्स आईओ नॉर्म्स इस तरह से भी ये प्रचलित है। आईओ नॉर्म्स का जो प्रचलित है ये है, पहले एक्साइज में प्रचलित था, एग्जिस्टी में ये नॉर्म्स प्रचलित है क्योंकि जो कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर इसके अंडर आयो नॉर्म्स फिक्सेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो आयो नॉर्म्स वहां पे प्रचलित है। और सायन जो है ये डीजीएफटी में और कस्टम्स में दोनों इधर प्रचलित नए में। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, तो क्या है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स? आयो नॉर्म्स जनरली ड्रॉबैक के लिए एप्लीकेबल, ड्रॉबैक के जो दो तरह के रेट्स रहते हैं, ऑल इंडस्ट्री रेट जो स्टैंडर्ड रेट है जैसा साइन जैसा, और अगर फिक्स नहीं है तो उसे ब्रांड रेट फिक्सेशन बोलते हैं। तो ब्रांड रेट फिक्सेशन के लिए फिर एप्लीकेशन डालना पड़ता है। वैसे ही वेस्टेज नॉर्म्स के लिए एक्साइज में एप्लीकेशन डालना पड़ता था। आपके जो भी प्रोडक्ट है, आपके अगर साइन नॉर्म्स में आपके प्रोडक्ट्स नहीं है तो वेस्टेज नॉर्म्स में भी आप फिक्स कर सकते थे। वेस्टेज नॉर्म्स के जो कमिश्नरेट रहता था तो वहाँ आपको एप्लीकेशन करना पड़ता था और आपको आयो नॉर्म्स फिक्स कर सकते थे। तो बेसिकली इसका एक जो रूल था कि इम्पोर्ट अंडर कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी, उसके लिए इसका नॉर्म्स का यूटिलाइजेशन होता था। तो चलो देखते हैं कि क्या है साइन। साइन नॉर्म्स मतलब है क्या है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। तो दोस्तों गवर्नमेंट, जैसे कि हमने कहा कि गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, तो गवर्नमेंट बेनिफिट इनपुट्स परचेस करने के लिए आपको बेनिफिट देती है ड्यूटी फ्री। तो ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट बेनिफिट देगी गवर्नमेंट किसके लिए देगी? कि आपके प्रोडक्ट जो बना रहे हैं आप, आपके सारे इनपुट्स एंड कंज्यूमेबल जो है वो आपको यूज करना है आपके प्रोडक्ट बनाने में, और फिर आपका एक यूनिट प्रोडक्ट बनेगा और एक यूनिट के प्रोडक्ट जो है उस उसके लिए जो भी मटेरियल लगने वाला है वो आपको ड्यूटी फ्री दिया जाएगा। तो मतलब ये है उसका कि एक यूनिट प्रोडक्ट आपका बनाने के लिए कितना मटेरियल लगता है वो जो है कि वो डीजीएफटी उसके नॉर्म्स फिक्स करती है। आपका ये हो गया आउटपुट, फिनिश गुड ये आपका आउटपुट है जो भी गुड्स बनाएंगे, और आपका इनपुट्स मतलब जो भी कंज्यूमर्स रॉ मटेरियल, जैसे कि आपको आप सपोज स्टील के प्रोडक्ट बना रहे हैं, फोर्जिंग बना रहे हैं, तो फोर्जिंग ये हो गया आपका फिनिश गुड, और इनपुट्स हो गए आपके स्टील के इनगॉट्स जो है वो इनपुट्स हो गए, स्टील के बार्स जो रहते मतलब वो इनपुट्स हो गए, फ्यूल इनपुट्स हो गया क्योंकि आपकी फर्नेस अगर फर्नेस ऑयल से चल रही है तो वो इनपुट हो गया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी चल रही है तो वो इनपुट्स हो गए आपके, कंज्यूमेबल्स हो गए, कॉटन कॉटन या वेस्ट आएगा आपका, हैंडलूम्स आएंगे, ये सारी चीजें जो है कि जो डायरेक्ट आपके प्रोडक्शन बनाने में चीज जा रही है, दो तरह के उसमें ये होते हैं कि एक इनपुट्स जो डायरेक्ट कन्वर्ट होता है फिनिश गुड में, और एक कुछ कंज्यूमेबल्स जो लगते हैं लेकिन उसका वेट उसमें कन्वर्ट नहीं होता है फिनिश गुड में। एम आई करेक्ट? आर यू गेटिंग? तो मेरा कहने का मतलब है कि दो तरह के जो इनपुट्स यूज होते हैं, एक को इनपुट्स बोलते हैं जो कन्वर्ट होते हैं फिनिश गुड्स में उसका वेट, दूसरा जो सिर्फ मददगार साबित होते हैं, कैटलिस्ट रहते हैं प्रोसेस के लिए, वो इसेंशियल रहते हैं लेकिन वो वेट में कन्वर्ट नहीं होते, वो प्रोसेस में अपना पार्ट रोल प्ले करते हैं। तो ये इस तरह का, लेकिन वो चीज लगती तो है जरूर, तो वो लगती है कितनी लगती है क्वांटिटी वो एक्चुअली प्रोडक्शन प्रोसेस डिफाइन करती है। तो भी जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है आपकी फिनिश गुड्स बनने तक की, जो भी आपको लगने वाले उसमें से ये चीजें हैं आपको ड्यूटी फ्री दी जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कैपिटल गुड्स तो अलग स्कीम में आएगा। तो ये सारी चीजें आपको जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी कुछ चीज लगती है वो भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये है आपको
ड्यूटी फ्री मिलने वाले इनपुट्स और आयो नॉर्म्स, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। तो फॉर एग्जाम्पल, वैसे हमने बोला कि फिनिश गुड का एक प्रोडक्ट, लेकिन आप बनाएंगे 10,000 प्रोडक्ट्स उसके, तो जो भी आप उसमें प्रोडक्ट वाइज आप जो भी बनाने वाले हैं, तो जो भी प्रोडक्ट की आपको ऑर्डर आई, ये जो है कि स्टैंडर्ड आयो नॉर्म्स आपके लिए दो तरह के लिए ये एप्लीकेबल होता है। ये एनुअल बेसिस पे भी आपको दिया जाता है सर्टन प्रोडक्ट्स के लिए, या फिर आप जो देंगे आपका एस्टिमेट उस बेसिस पे, एनुअल बेस पे आपको उस तरह का दिया जाएगा। लेकिन आपको ऑर्डर टू ऑर्डर भी इस तरह का आपको लाइसेंस आपको मिलेगा, एडवांस लाइसेंस। तो बेसिकली साइन नॉन्स यूज होते हैं एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम्स में, मतलब ड्यूटी फ्री इंपोर्ट वाली, ड्यूटी एग्जेम्पशन वाली जो स्कीम्स है, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन DFI, एडवांस ऑथराइजेशन, एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन, इंटरमीडिएट एडवांस ऑथराइजेशन, इम्प्रेस एडवांस ऑथराइजेशन, इस तरह के जो एडवांस ऑथराइजेशन जो है, स्पेशल एडवांस ऑथराइजेशन, इसमें आपको ये बेनिफिट असायन का यूज होता है। डीम एक्सपोर्ट एडवांस ऑथराइजेशन, ये सारे टाइप्स के एडवांस ऑथराइजेशन, डीम एक्सपोर्ट सॉरी, तो बेसिकली इस तरह के डीम एक्सपोर्ट, फिजिकल एक्सपोर्ट या फिर मर्चेंट एक्सपोर्ट, जो भी आप गुड्स करेंगे, वो गुड्स के लिए लगने वाली जो सारी चीजें हैं, सारी जो कंज्यूमर्स इनपुट्स, ये आपको ड्यूटी फ्री मिलेगी। और उसके लिए जो लाइसेंसेस लगते हैं, उसे एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस, ड्यूटी फ्री लाइसेंसेस कहा जाता है। वो डीम एक्सपोर्ट रिलेटेड भी रहते हैं, वो इंटरमीडिएट एडवांस लाइसेंस भी रहते हैं, एनुअल एडवांस लाइसेंस भी रहते हैं, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन लाइसेंस भी रहते हैं। स्पेसिफिकली ये उसका पर्पज है, साइन नॉर्म्स इसी के लिए फिक्स किया गया है, और उसका खास ITC HS पॉलिसी में शेड्यूल रहता है, अपेंडिक्स रहता है कि सारे जो प्रोडक्ट्स है आपके 99 चैप्टर्स के, वहां मिलेंगे आपको, उसके अगेंस्ट के जो नॉर्म्स है, साइन नॉर्म्स, वो वहां पे आपको दिखेंगे, जिसमें सारे आपके जो इनपुट आउटपुट का जो रेशियो है वो वहां दिखाया होगा। तो उसके रिलेटेड उतने परचेस जब आप करेंगे, तो उसकी जो ड्यूटीज है, कस्टम ड्यूटी, जो भी टैक्सेस है, वो आपको फ्री मिलेंगे। तो ये बातें हो गई साइन की। साइन जो है कि डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड ये फिक्स करता है, इनके वहाँ साइन फिक्सेशन कमिटी रहती है। तो साइन फिक्सेशन कमिटी जो है, ये अपने बार बार प्रोडक्ट जो है जिसमें रिवीजन चाहिए, जिसमें खुद वो कभी कभी रिवीजन भी कराते हैं, या कस्टमर जो है कि उसको अगर रिवीजन कराना है, मॉडिफिकेशन कराना है, वो भी उस तरह की रिक्वेस्ट DGFT के ऑनलाइन मॉड्यूल से उनकी तरफ भेज सकता है, मॉडिफिकेशन ऑफ द साइन नॉर्म्स या अमेंडमेंट ऑफ द साइन नॉर्म्स, वो रिक्वेस्ट भेज सकता है, या फिर नया साइन नॉर्म्स का जो है कि फ्रीज करने के लिए भी नया साइन नॉर्म, वही प्रोडक्ट के अगेंस्ट नया साइन नॉर्म्स फिक्स करने के लिए जो भी रिक्वेस्ट उसको उनको भेज सकता है। तो साइन नॉर्म फिक्सेशन इस तरह से DGFT के तरफ कमिटी, जो साइन नॉर्म फिक्सेशन कमिटी करती है। इसके अलावा जो स्टेटस होल्डर यूनिट्स है, जैसे कि 100% EOU या नॉर्मल एक्सपोर्टर जो है, इनके स्टेटस होल्डर, स्टार एक्सपोर्ट हाउस सर्टिफिकेट वाले जो है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, इसमें से 3 स्टार और आगे जो है, उनको सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे एडॉक नॉर्म्स पे एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी गई है। तो बिफोर फिक्सिंग, मतलब वो एप्लीकेशन तो डाल सकते हैं, बिकॉज एप्लीकेशन फिक्सेशन के लिए तो उनको रिवाइज वे का डालना ही पड़ेगा, मॉडिफिकेशन के लिए वो डालना ही पड़ेगा, लेकिन वो उसके लिए रुकने की जरूरत नहीं, वो अपने सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे एक्सपोर्ट एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस के अगेंस्ट वो करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली एडवांस ऑथराइजेशन के लिए फिक्सेशन के इस तरह के नॉर्म्स है। तो इसमें एडॉक नॉर्म्स भी है कि एडॉक बेसिस पे भी आपको जो DGFT की साइन नॉर्म्स कमेटी है वो फिक्स करके दे सकती है। फाइनल फिक्सेशन जब तक बाकी है, तब तक एडॉक नॉर्म आपको सैंक्शन करवा के दे सकती है, उस पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी जो एडॉक नॉर्म्स जो है, ये रिक्वायरमेंट्स
उन्होंने फाइनल जब वो करेंगे तब वो शेड्यूल में आएगा, लेकिन एडहॉक नाम जनरली अपने अपेंडिक्स या शेड्यूल में आते नहीं है, वो कस्टम्स को आपको ये करके इंटेग्रेट करके आपको उसको एक्सपोर्ट करवाना पड़ता है। तो एक एग्जांपल अगर हम देखने जाएंगे कि हमें कुछ फैब्रिक्स, हमें क्लॉथ एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए जो भी चीज लगती है कि उसके लिए स्पिन फिनिश ऑयल लगेगा मैन्युफैक्चरिंग के, या लैटेक्स लगेगा, या फैब्रिक लगेंगे, या और कुछ केमिकल्स लगेंगे, इसके पर यूनिट मतलब एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक सर्टन शर्ट बनाने के लिए, या कुछ अपेरल बनाने के लिए कितना मीटर का कपड़ा लगेगा, कितने मीटर कितने केजी का कपड़ा लगेगा, और क्या क्या लगेंगे, स्टार्ट से लास्ट एंड तक जो प्रोडक्ट्स है उसकी इनपुट्स की इसमें लिस्ट रहेगी, उसकी क्वांटिटी रहेगी आइदर इन केजी में, आइदर जो भी यूनिट्स है उसका, उसमें लिक्विड है तो उसका लीटर्स में रहेगा या केजी में रहेगा, इस तरह का उसमें रहेगा। और उतना जो है कि आपको अगर 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है इस जैसे, तो 10,000 से आपको इनको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उतनी क्वांटिटी आएगी, वो क्वांटिटी आपको लाइसेंस में डालनी है, और लाइसेंस के लिए फिर डीजीएफटी में आपको अप्लाई करना है, ये मेथोडोलॉजी प्रोसेस होती है। तो दोस्तों जो भी डिटेल्स है, हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है कि साइन नॉर्म्स का आपके यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, आप वेबसाइट पे भी जाके डीजीएफटी के ये सारे बातें देख सकते हैं, लेकिन आपके थोड़े लर्निंग के लिए हम ये सारे प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप इसे देख सकते हैं कि किस तरह से ये फिक्स किया गया है। तो इसमें कुछ रेस्ट्रिक्टेड भी आइटम्स है, उसके लिए साइन नॉर्म फिक्स नहीं किया जाता, लेकिन साइन नॉर्म फिक्सेशन के लिए बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं, उसमें से टेक्निकल डिटेल्स लगेंगे, टेक्निकल पिक्चर्स लगेंगे, राइटअप लगेंगे, चार्टर्ड इंजीनियर के सर्टिफिकेट लगेंगे, उसके अलावा फ्लो प्रोसेस चार्ट लगेगा, ऑपरेशन शीट लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के रिलेटेड डिटेल्स लगेंगे, ड्राइंग्स लगेंगे, कैटलॉग्स लगेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत सारी 10-15 डॉक्यूमेंट्स इसमें एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तब जाके वो 3 मंथ्स के बाद या 6 मंथ्स के बाद आपको साइन नॉर्म्स फिक्स करके मिलते हैं, बिकॉज इट्स अ टीडियस प्रोसेस, क्योंकि जैसे आपको ये सारा एक्सपर्टाइज जो है कि एक्सपर्टाइज बना के आपने भेजा, उनको भी स्टडी करने के लिए, जो साइन नॉर्म्स की कमेटी है उनको भी स्टडी करने के लिए तो टाइम लगेगा, क्योंकि उनके जो साइन नॉर्म्स कमेटी में है उन उसमें भी कुछ एक्सपर्टाइज रहते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट, तो उनको भी स्टडी करने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जैसे 99 चैप्टर्स मतलब 8,500, 9,000 करके ट्रिप लाइन्स है, तो 9,000 प्रोडक्ट्स के लिए पूरा एक ही आदमी एक्सपर्टाइज होना डिफिकल्ट है, तो हर एक प्रोसेस के लिए टाइम लगता है, तो इनको भी 3-6 मंथ्स टाइम लगेगा, उसके बाद आपको जो रिवाइज नॉर्म्स है, मॉडिफाइड नॉर्म्स, अमेंडेड नॉर्म्स आपको फिक्स करके मिलेंगे, या फिर आपको नए नॉर्म्स फिक्स करके मिलेंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ का बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, और ऑल ऑप्शन चूज कीजिए, ताकि इस तरह के सारे वीडियो जो भी हम बना रहे हैं उसके नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली प्राप्त हो सकेंगे। इसके